श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा, लेकर के हाजिर हूं आपके लिए क्या करें और क्या ना करें मकर राशि के जातक नवंबर 2019 में। क्या करें और क्या ना करें, किस बेस पर चलें, किस बेस पर ना चलें, सबसे पहले क्या करें हम उस पर डिस्कस करेंगे। विदेश यात्रा के लिए प्रयास करना है, बिल्कुल करें, आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। कोर्ट कचहरी में कोई मामला है, उसके लिए अच्छा प्रयास करना है, जरूर करें, आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। उसके साथ अगर हम बात कर रहे हैं, पैसा कहीं फंसा हुआ है, उसको निकालने का प्रयास करना है, जरूर करें, आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। पारिवारिक संबंध को बेहतर रखने का प्रयास करना है, जरूर करें, आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। भूमि वाहन इत्यादि लेना है या आपको बेचना है, उसके लिए प्रयास करें, आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। मित्रों को अच्छे संबंधों के साथ, मित्र से कोई मदद प्राप्त करनी है या मित्र का किसी प्रकार से मदद करना है, दोनों के लिए प्रयास करें, आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। एजुकेशन के लिए कोई प्रयास करना है, जरूर प्रयास करें, आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। संतान घर में नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करना है, चाहे वह IVF इत्यादि का सहारा लेना है या वैसे कोई प्रयास करना है, संतान प्राप्ति के लिए जरूर प्रयास करें, आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। मीडिया क्षेत्र इत्यादि में प्रवेश करना है, आप जरूर प्रयास करें, सफलता प्राप्त होने वाली है। संतान से संबंधित कोई भी कार्य आपका है, उसके लिए प्रयास करें, आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। अब हम ऐसा क्या है जो ना करें, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें, रात को कोई भी ऐसा भोजन करके ना सोएं जो मांसाहार इत्यादि से संबंधित हो। इस महीना यदि ऐसा भोजन करके सोया गया तो स्वास्थ्य में निश्चित रूप से दिक्कतें देने वाला होगा। पिता के प्रॉपर्टी को लेकर के किसी प्रकार का विवाद इस माह बिल्कुल ना करें, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। किसी को पैसा बिल्कुल ना दें, इस माह दिया गया धन जो है वह आपका वापस प्राप्त नहीं होगा। कई बार लोग प्रेम से हमारे धन इत्यादि का हरण कर लेते हैं, लेकिन इस माह यदि आपने अपना धन प्रदान किया तो बिल्कुल भी धन वापस प्राप्त नहीं होगा। अगर भाई बहनों से किसी प्रकार से संबंध ठीक नहीं है, उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, तो इस माह उसके लिए किया गया प्रयास सफलता नहीं देने वाला होगा, बल्कि और संबंधों में खराबी ही आएगी, दिक्कतें ही उत्पन्न होंगी, तो इस माह उसके लिए प्रयास ना किया जाए। किसी से रास्ते में किसी प्रकार का विवाद ना करें, पड़ोसी इत्यादि से विवाद ना करें। पड़ोसी इत्यादि से विवाद किया गया या रास्ते में किसी प्रकार का किया गया विवाद आपको निश्चित रूप से बहुत नुकसान देने वाला होगा और मामला काफ़ी लंबा चला जाएगा, जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे या परेशान होंगी। अगर किसी प्रकार से प्रमोशन इत्यादि के लिए बातचीत करना है तो तारीख 16 से पहले बिल्कुल ना करें। नई नौकरी परिवर्तन करने के बारे में विचार करना है, तारीख 16 से पहले उस पर विचार बिल्कुल ना करें, तारीख 16 के बाद ही जा करके उस पर विचार करें। किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते वक्त लाल कपड़े बिल्कुल पहन कर ना जाएं। किसी महत्वपूर्ण कार्य को रविवार के दिन बिल्कुल भी ना करें। पिता या पिता सदस्य किसी भी व्यक्ति का अपमान बिल्कुल ना करें, उसके कारण आपको जीवन में बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी भी मामले के लिए ये माह बेहतर नहीं है, तो उससे संबंधित जो कार्य है उसको बिल्कुल भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में नौकरों से या अपने सीनियर से विवाद करने का बिल्कुल प्रयास ना करें, उनके साथ किया गया विवाद आपके लिए निश्चित रूप से नुकसान देने वाला होगा, परिस्थितियों को खराब करने वाला होगा। तो ये वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको मैंने बताया कि आप क्या करें और क्या ना करें। जो चीज़ें बताया कि आप ना करें, अगर उससे संबंधित भी कोई चीज़ आपको करनी पड़ रही है तो आपको वहाँ पर क्या करना होगा, बहुत सिंपल सा कार्य आपको करना है। सूर्य को प्रतिदिन एक लोटा जल देना है, लेकिन जल डालते वक्त देते वक्त उसमें हल्का सा गुड़ और उसके साथ रोली जरूर डालना है। ये दो चीज़ प्रयोग करेंगे तो जो कार्य नहीं करने के लिए बताया है अगर वो कार्य भी आप साथ में करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा।
कोई और जानकारी आपको नहीं मिल पाई है, आप चाहते हैं कि और विशेष जानकारी आपको प्राप्त हो, संस्थान का नंबर है, क्योंकि आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो आपका चार्ट देखकर ही पता चलता है, संस्थान में कॉल करके अपने विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई सिद्ध रत्न प्राप्त करना है, सिद्ध रुद्राक्ष प्राप्त करना है, तो निश्चित रूप से संस्थान के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकता है। कोई पूजा पाठ इत्यादि कराना है तो भी हम आपकी सेवा में सदैव हाजिर हैं, आप करा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। जय श्री राम।